Alhamdulillah, wa kafa wa salamu ala ibadihi alladhina istafa. Amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم میرے بھائیو بزرگو तो तीन हफ्ता मुसलसल हमारा नागा हुआ है, उसके बाद ये हमारी मजलिस है। उम्मीद कि आप सब हजरत खैरियत से होंगे, अल्लाह आप सबको आफियत के साथ अपनी हिफ्ज़ और अमान में रखे। दो मरतबा दो मजलिसें इसके ताल्लुक से पहले हो चुकी है। पहली मजलिस के अंदर यहूद के जो मदीना पाक में तीन कबीले थे बड़े बड़े, उनका तस्किरा किया था। इन तीनों का क्या मामला हुआ, ये खैबर चले गए और खैबर में रह के इन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ बहुत सारे काम किए। इसमें से दो बड़े बड़े जो काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस के ताल्लुक से, वो ये थे कि एक तो इन लोगों ने जादू किया। हैबर से ये लोग आए थे, मदीना पाक में एक बड़ा जादूगर था, उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन उनकी कोशिश कारगर नहीं हुई, साबित नहीं हुई। ये मदीना पाक में आए और मदीना पाक में एक उनका बहुत बड़ा जादूगर था, उसका नाम लबीद इब्ने आसम किताबों में मिलता है। उसको उन लोगों ने दरख्वास्त की कि भाई आप पर जादू करो, हमको पैसे देंगे। आप वो जो आजकल चलता है ना, इस तरीके से उन लोगों ने कोशिश की। एक तो ये अमल किया जो उन लोगों ने खैबर में किया, दूसरा जो अमल किया नाउज़ुबिल्लाह, इन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब आप खैबर तशरीफ ले गए थे तो जहर आलू बकरी आपके सामने पेश की, दस्तरखान पर जब सुलह हो गई, बाद में जंग हुई, जंग के बाद सुलह हुई, सुलह के बाद जब बातचीत हुई तो इन लोगों ने आपके लिए खाना पकाया। उसमें एक औरत थी जो बड़ी कीनावर थी, दिल में कीना था, वो तहकीक करके आई कि आपको सबसे ज़्यादा गोश्त में कौन सा गोश्त मरबूब है। उसको बताया गया कि ये जो दस्ताना होता है बकरी का, आगे का ये ज़्यादा मरबूब है आप सलासम को। तो उसने पूरी बकरी में मिलाया जहर, लेकिन खुसूसन उस दस्ताने में बहुत ज़्यादा जहर मिला। ये तभी वाकया है कि किसी जगह मौका आया तो आपको बताएंगे। अभी तो ये अर्ज करना है कि खैबर में इन लोगों ने आपके खिलाफ जो साजिशें की, उसमें एक सहर करना और जहर आलू बकरी का पेश करना, इस वाकये का इल्म आपको नहीं था। और उमूमन जिस पर सहर किया जाता है उसको क्या पता होता है कि उस पर किसी ने सहर जादू किया है। अव्वल तो गुज़श्ता मैंने एक बात आपके सामने ये भी रखी थी कि हम लोगों का दिमाग और वहम ऐसा है कि हम छोटी छोटी मामूली बातों में भी अपने आप को ये समझते हैं कि उस पर किसी ने सहर किया है। ये गलत है। कभी जरिए से अब मालूम हो जाए तो वो अलग बात है, सहर है। सहर कहते किसको है, जब मौका आएगा तो बताएंगे। मुख्तसर ये है कि सहर शयातीन का नाम लेकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बार चीज़ों की तासीर दुनिया के अंदर रखी है।
आग जलाना पानी का काम है, समंदर के अंदर डुबोना, तो ऐसी तासीरें हर चीज में अल्लाह पाक ने रखी है। उसी में सहर के अंदर भी ये तासीर अल्लाह पाक ने पैदा की है कि अगर ये किसी पर किया जाए तो वो उस पर असर करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब इन लोगों ने सहर किया तो आपको इल्म कैसे हुआ बताया था ना, गुज़स्ता दो फरिश्ते ख्वाब में आपके आए और उन लोगों ने आपस में मुकालमा किया, बातचीत की, एक सर सिहाने थे और एक पायतनी पैर की तरफ थे और पूछ रहे कि भाई इनको क्या हुआ है, तो बताया गया दूसरे फरिश्ते ने कहा कि इन पर जादू किया है। कहा किसने किया है? कहा फुला ने किया है। कहा किस चीज़ पर किया है? लबीद का नाम लिया, लबीद इब्न आसम ने किया है, और आपके बाल के और कंघी के जो दंदाने थे उसके अंदर और जो तार था जिसको वो लोग तीर के अंदर इस्तेमाल करते थे उसके अंदर बांध के गिरा लगा के बाल को उसमें दाखिल किया है और उसके ऊपर पड़ के इन लोगों ने खजूर की जो खोशे होते हैं खजूर की जड़ में उसका लिफाफा उसके अंदर बांधा है और बंद करके उसको एक कुएं के अंदर दफन कर दिया है। ये पूरा तफसील से फरिश्ते ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर बताया। सुबह हुई, आप तशरीफ ले गए सहाबा के साथ और खुलवाया गया तो निकला वाकियतन ये। अब आप पर ये आयात उस वक्त नाजिल की गई, बाज लोगों ने यह कहा कि उस वक्त नाजिल हुई, बाज लोगों ने कहा कि ये मक्की आयात है, मक्का के अंदर नाजिल हुई। बहरहाल जब भी नाजिल हुई, लेकिन आप पर जब ये आयत नाजिल हुई तो ये कहा गया कि 11 गिरे हैं, आप 11 मरतबा इन एक एक आयत को पढ़ते जाए और गिरा को खोले जाए। ये दोनों सूरतें सूरह फलक और सूरह नास, ये दोनों सूरतों में टोटल 11 आयत और 11 गिरे भी थी। वो गिरोह को खोला गया, खोले गए और आप उसके ऊपर आयत पढ़ते थे, और जब 11 की 11 गिरे खुल गई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सिहर का जो असर था वो खत्म हो गया, आप हल्के फुल्के हो गए। जब सिहर में आप पर क्या असर हुआ था, आप पर कोई जाहिर में देखने वाला शख्स महसूस ही नहीं कर सकता कि आप पर सिहर था, क्योंकि आप इसी तरीके से तबलीग कर रहे हैं जिस तरीके से लोग रोजाना करते थे, इसी तरह आयात भी आप पर नाजिल हो रही थी और आप लोगों को पढ़ के सुना रहे थे, आप खा भी रहे, इमामत भी फरमा रहे, सब चीजें आप पर। जो असर था वो सिर्फ इतना था कि आपकी तबीयत बंदी बंदी थी, आपको ऐसा महसूस होता था गोया इनकेबाज है, तबीयत के अंदर किसी ने बांध दिया, और बस इतना महसूस होता था कि कोई काम आपने सोचा कि मैंने ये करने का बाकी, हालांकि वो आपने कर लिया होता था, बस ये मामूली सा आपके ऊपर असर था। इसीलिए फुकहा उलमा और मुहद्दिसीन ने ये बात लिखी है कि सहर जो है सहर ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के खिलाफ नहीं है, आप नबी हैं तो भी आप पर सहर हो सकता है। जिस तरीके से आपको बुखार आता था, जिस तरीके से आपको सर्दी लगती थी, इसी तरीके से सहर। बहरहाल दोस्तों बुजुर्गों ये सहर खत्म हो गया अल्लाह के हुक्म से। अब ये जो लबीद था, लबीद इब्ने आसम, पता भी चल गया था कि ये आदमी था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ फरमा दिया। हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा ने आपसे अर्ज किया, या रसूल अल्लाह आपको तो इल्म है कि इस आदमी ने किया है, तो आप इससे इंतकाम क्यों नहीं लेते? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी जात के ताल्लुक से तो यही अमल रहा है कि आपने कभी किसी अपनी जात के लिए कभी किसी से इंतकाम नहीं किया, आपने दरगुजर किया, माफ किया। हज़रत आयशा से फरमाया कि जब अल्लाह पाक ने मुझे शिफा दे दी है तो अब मैं मेरी वजह से किसी को अब तकलीफ हो मैं ये दोबारा नहीं करता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बख्श दिया। ये आपकी आपके हुस्न अखलाक की इम्तिहा है। अगर आज के दौर में हमको अगर ये पता चल जाए कि हम पर फलाने शख्स ने कार्य किए, हमारी जबान में कार्य बोलते हैं, और सहर किया है, जादू किया है, तो जिंदगी भर तक के लिए हमारी उसके साथ दुश्मनी हो जाती,
और हम भी उसको तकलीफ पहुंचाने पर आए जाते हैं। बहरहाल ये चीजें थी। अब जरा इस आयात के अंदर जो मज़मून है वो मज़मून को समझिए। इन आयात के अंदर जो मज़मून है वो मज़मून हम सब ईमान वालों के लिए इंतहाई की होती है। क्या हम सब का ये अकीदा है कि नफा की मालिक जो जात है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है, नुकसान पहुंचाने वाली जात सिर्फ अल्लाह की। कोई आदमी किसी के अंदर कोई सुपर पावर ताकत के अंदर कोई ताकत नहीं है कि वो किसी को नफा पहुंचावे या नुकसान पहुंचावे। ये हमारा अकीदा है, ईमान की बुनियाद है, असास जड़ है। ताकत जो है ना वो अल्लाह की है। अल्लाह के बगैर कोई आदमी ना नफा पहुंचा सकता है ना नुकसान पहुंचा सकता है। जब ये हमारा अकीदा है तो अल्लाह पाक ने इस सूरत के अंदर गोया हमको यही तालीम दी है कि जब हर चीज का मालिक नफा का मालिक हुए नुकसान का मालिक हुए तो अब पनाह तुमको पकड़नी चाहिए, क्योंकि हर आदमी हर किसी के ऊपर गालिब नहीं है। कमजोर भी तो है, गरीब भी तो है, मिस्कीन भी तो है। तो अब पनाह ढूंढनी चाहिए तो किसके ढूंढनी चाहिए? जो नफा और नुकसान का मालिक है। इसीलिए ऐलान करके कहा गया कि नबी जी आप लोगों को बता दो कि मैं पनाह पकड़ता हूँ उस रब की जो सुबह को रोशन करने वाला है। रब्बिल फलक आगे तशरीह करता हूँ, लेकिन ये कहने का मतलब ये कि आपको गोया ये कहा जा रहा है कि आप भी अल्लाह पर एतमाद करते हो, और मुसलमानों को भी ये कह दो कि एतमाद किस पर करना चाहिए? सिर्फ अल्लाह की जात पर। मेरे भाइयों, आज यही चीज की कमी हमारे अंदर आ गई। हम हर चीज में एतमाद या तो अपने असबाब पर, अपनी चीजों पर, अपने माल पर, और दुनिया जहां के अंदर अपने हथियारों पर और फुला के ऊपर। लेकिन मेरे भाइयों, एतमाद अल्लाह की जात पर होना चाहिए। इसलिए ये तालीम दी गई, कुल आऊदु बिरब्बिल फलक। तो पनाह किसकी लेनी चाहिए? अल्लाह की लेनी चाहिए। हर चीज में पनाह अल्लाह की जात से, अल्लाह की जात की पनाह। और किस चीज से? तमाम शुरूर से, आफात से। अब जरा देखिए, इब्ने कय्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने एक बात लिखी है यहाँ पर कि इब्ने कय्यिम बड़े मुहद्दिस में से है, बड़े फुकहा में से, इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों में से। ये इब्ने कय्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये दोनों सूरतें हर इंसान के लिए इंतहाई कीमती नेमत है और अजीम नेमत है, क्योंकि इसमें सिर्फ सहर नहीं, सहर जादू, सिर्फ जादू ही नहीं, सिर्फ नजरें बंद नहीं, जिस्मानी तकलीफ हो, रूहानी तकलीफ हो, किसी भी किस्म की तकलीफ हो, इसमें इन आयात के अंदर उससे पनाह तलब की। इसलिए इन आयात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिवायत के अंदर मिलता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन आयात को पढ़ के अपने ऊपर दम फरमाते थे। हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा खुद रिवायत करती है कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप इन आयात की तिलावत फरमा के अपने ऊपर दम फरमाते थे। और जब मराज़ुल वफ़ात आपका शुरू हुआ, जब आपकी वफ़ात का वक्त शुरू हुआ, तो बीमारी के अय्याम में मैंने इन आयत को पढ़ा है और आपके दस्ते अब्दस के ऊपर फूंक मारी है, आपके हाथ पर फूंक मारी है, और फिर आपने अपने दस्ते अब्दस को अपने वजन के ऊपर फेरा है। इसलिए उकबा इब्ने आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु भी रवायत फरमाते हैं कि एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर के अंदर इन आयत को तिलावत फरमाया, इन दो सूरतों, फिर मगरिब में भी इसको पढ़ा, और मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद आपने फरमाया हर नमाज के बाद भी इसको पढ़ो, सुबह के वक्त भी पढ़ो, और सोने के बाद सोते वक्त भी पढ़ो, और सुबह उठो तो भी आयत को पढ़ो। मालूम हुआ इनके अंदर हमारे लिए मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों बहुत बड़ा सबक है, ये बड़ी नेमत है। और गुज़श्ता मजलिस में मैंने आपके सामने एक बात रखी कि इब्तिदा क्या थी? इब्तिदा थी ए अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा जिसके ऊपर तू राजी हो, और तेरी नाराजगी और गुस्से वाले रास्ते से मेरी हिफाजत फरमा।
ये मांगा था ना सूरह फातिहा में। और इंतहा क्या है कि अल्लाह इस रास्ते में आने वाली जितनी रुकावट है, हर लाइन की रुकावट है, मैं उस उन रुकावटों से पनाह मांगता हूं। मेरे भाइयों, आज के दौर में सबसे बड़ा कमाल ये है कि आदमी सिराते मुस्तकीम पर सही तरीके से जम गया। हालात कितने खतरनाक है चारों तरफ से, कभी कभी तो ईमान के नाले पड़ जाते हैं। लोग अगर वो हालात जो आज हमारे भाइयों के ऊपर मुल्क के अंदर मौजूदा खास हिस्से में पेश आए, अगर खुदा न खास्ता हम जैसे नाकिसुल ईमान और असबाब पर तवक्कुल और यकीन करने वालों पर आ जाते तो हमारे तो नाले पड़ जाते। आदमी एक वक्त के खाने के लिए अपने ईमान को बेच देता है, इसलिए पनाह पकड़ने की जरूरत है कि अल्लाह तेरी पनाह के अंदर आवाज है। ये चीज, ये मजमून है इन आयत का। अब जरा आयत को मैं तर्जमा करता हूं और मुख्तसर उसकी तशरीह करके इसको पूरा करते हैं। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, ए नबी जी आप कह दीजिए, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, मैं सुबह को फाड़ने वाले, सुबह को रोशन करने वाले रब की पनाह पकड़ता हूं। सुबह को रोशन कौन करता है? अल्लाह की ज़ात रोशन करती है। अजीब चीज है कि यहां आयत के अंदर रब, रब के माना अल्लाह माबूद, और उसका जो मुज़ाकिले है, मुज़ाकिले यानी उसके रब तो हर चीज का है, वो शाम का भी, सुबह का भी, शेर का भी, जानदार का भी, परिंदे का भी, मखलूक, हर चीज का मखलूक, हर चीज का रब है। यहाँ ये कैद क्यों लगाई कि सुबह के रब, सुबह को पैदा करने वाला, सुबह को जाहिर करने वाले रब की पना पकड़ता हो, समझ रहे ना? ये क्यों बताया? इसलिए कि मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गो, रात होती है ना, रात कैसे होती है? मगरिब के बाद थोड़ा अंधेरा, फिर ईशा के वक्त थोड़ा और अंधेरा। ये अगर लाइटेड हो तो पुराने जमाने के लोगों को पूछो, तारीख से तारीख होती जाती है रात, और इतनी तारीख हो जाती है कि आदमी को कुछ सुझाई नहीं देता है, कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ दिखाई नहीं देता है। और फिर अचानक उसमें से जब सुबह रूनुमा होती है, सुबह जब जाहिर होती है, तो आदमी को जिस चीज को देखना होता है उस चीज को आसानी से जब देख सकता है तो वो तबीयत के अंदर खुशी महसूस करता है कि मैं इस चीज को देखना चाहता हूँ। इसी तरह अल्लाह पाक ने ये गोया बताया है कि हर चीज जो दुनिया के अंदर है और उसके जो शुरू है, मसाइल है, आफात है, कभी कभी आदमी को घेर ले, और घेरते घेरते वो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और आदमी मायूस हो जाता है कि अब मैं इससे निकलने वाला नहीं, अब मुझे कोई इससे निकाल नहीं सकता है। और बाज मरतबा आदमी की खुशी कर लेता है कि नहीं? ऐसे मौके पर आदमी को नजात देने वाली जात अगर कोई है और बचाने वाली जात अगर कोई है तो वो कौन है? अल्लाह है। तो गोया इस सिफत के जरिए अल्लाह पाक ने इस बात को समझाया है कि जिस तरीके से अंधेरी में तारीख तारीख तारीख, पर्दे पर्दे होते होते अचानक अल्लाह पाक ने सुबह रोशन कर दी और जितनी तारीख थी वो छट गई, इसी तरीके से जितने मसाइल, आफात, परेशानियां, मुसीबतें आदमी के ऊपर है और उनके अंदर वो दबा हुआ है, अगर वो अल्लाह की पकड़ पकड़ लेता ना, तो इसी तरीके से अल्लाह पाक उसके वो आफात और पराई मसाइब को ऐसे ही जाहिर कर देते। इसके लिए ये रब्बिल फलक कहा, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कि सुबह को रोशन करने वाले रब की मैं पनाह पकड़ता हूँ, कि वो जिस तरीके से सुबह को रोशन कर देता है इसी तरीके से मेरी तमाम मसाइब को भी आदमी अल्लाह पाक हल कर देता। अब बताइए कितनी जबरदस्त बात है, अगर ये तर्जमा हमको मालूम हो और ये तशरीह अगर हमको मालूम हो तो कितने तवक्कुल के साथ हम अल्लाह से मांगेंगे। ये फलक के माना है रोशन करना। फिर आगे मिन शर मा खलक, तमाम मखलूकात के शर से, पहले जुमले के अंदर ही, ये पहले दूसरे जुमले के अंदर ही
बंदा अल्लाह पाक से क्या दुआ कर रहा है कि जितनी मखलूकात दुनिया के अंदर है उसके शर से मैं बड़ा मांगता हूँ। तो सब चीज़ें आ गई उसमें, सहर भी आ गया, नजरे बंद भी आ गई, जिस्मानी तकलीफें सब आ गई। उसके बाद तीन चीज़ें खसूसियत से, लेकिन पहले दर्जे के अंदर ही है हर चीज़ की। मेरे भाइयों, हर चीज में खैर भी और शर भी, इसको तो जानते ना सब लोग। इसमें खैर भी, बात करते हैं, मालूमत लेते हैं, इल्म हासिल करते हैं, ये खैर है। लेकिन अगर इसका गलत इस्तेमाल करते हैं तो शर है। उसके बाद क्या करते हैं, हम अपनी जात की बात करें, मैं कौन हूं, मेरे अंदर एक खैर का पहलू है, एक शर का पहलू है। कैसे पता चला? खुद दुआओं में अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन शर्री नफ्सी, ये अल्लाह मैं अपने नफ्स के शर से बना चाहता हूँ कि मैं गलत कामों में लग जाऊँ। तो हर चीज के अंदर खैर है, हर चीज में शर है, हमको पता नहीं। माल में खैर है, शर भी है। हर चीज में औलाद है, औलाद के अंदर खैर है, शर भी है। वाकियात सुनते हम बास मरतबा, औलाद जिसको आदमी तरबियत करके इतना बड़ा किया और अचानक बड़ा हुआ बच्चा और उसी ने अपने बाप को और अपनी माँ को कतल कर, बाकी याद आते हैं उसके लिए शर है। तो आदमी अल्लाह से दुआ मांग रहा है, मिन शर बिमा खलक, ए अल्लाह तमाम मखलूका जो कुछ भी है, अब जो मेरे मातहत में है या मेरे मातहत में, मेरे मातहत में नहीं, मेरे तसरुफ में है या नहीं है, उन तमाम के शर से मैं पना मांगता हूँ। मिन शर बिमा खलक वमिन शर ग़ासिबिन इज़ा वक़ब, और तारीकी के शर से, रात की तारीकी के शर से जब वो छा जाती है, कि जब तारीकी छाती है ना तो लोग गुनाहों की तरफ माइल होते हैं, लोग बुराइयों की तरफ माइल होते हैं, तो उसके शर से मैं पना मांगता हूँ। हजरत मुफ्ती अहमद साहब दावत बरका तुम यहाँ पर एक बात अजीब बात फरमाते हैं कि तारीकी का शर कौन सा, जिस तरीके से एक ज़ाहिरी तारीकी है अंधेरी, इसी तरीके से एक बातिनी तारीकी है गुनाहों की, मासियत, कि इन तमाम गुनाहों की तारीकी और उसके शर से और गुनाहों की मासियत के शर से मैं पढ़ा मानता हूँ। मिन शर रिमा मिन शर ग़ासिबिन इज़ा वक़ब वमिन शर नफ़ाथात फिल उक़द, और जो गिरहों में फूक मारते हैं, ऐसा फूक मारते हैं वो कौन है, वो जादू करने वाले, उन फूक मारने वालों के शर से जो गिरहों में फूके मारते हैं उसके शर से मैं पना मांगता हूँ। वमिन शर हासिदिन इज़ा हसद, और हसद करने वाले के शर से जबकि वो हसद करे। मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गो, इस चार आयत के अंदर चार चीजें, एक तो सबसे पहले बंदे ने अल्लाह से पना मांगी कि अल्लाह मैं तेरी पना में आ गया, किन चीजों से, जो भी मखलूकात दुनिया के अंदर है उसके शर से, तो सब मखलूकात आ गई उसमें। फिर दूसरे नंबर पर खुसूसियत से कह रहा है, रात की तारीकी और गुनाहों की तारीकी से, और जो लोग जादू करते हैं और जो लोग नजरे बंद लगाते हैं और जो लोग बुराइयां करते हैं उनके शर से, और तीसरे नंबर पर हसद करने वालों के शर से। मेरे भाइयों, हसद बहुत खतरनाक मर्ज है, ये दिल के अमराज बहुत है, दिल के अंदर बहुत सारे अमराज है, उसमें इंतहाई खतरनाक जो गुनाह है वो हसद। हज़रत शाह अब्दुल अजीज साहब मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आसमान में सबसे पहले जो गुनाह हुआ था ना वो क्या हुआ था, हसद का। किसने हसद किया था, इबलीस ने, शैतान ने, किस पर किया था, आदम अलैहिस्सलाम पर। सबसे खतरनाक गुनाह, सबसे पहला गुनाह जो आसमान में हुआ है वो हसद है। और दुनिया में वो आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ लाए, उनकी औलादें हुई और उनकी औलाद में दो भाई आए, काबिल और हाबिल, तो हाबिल को काबिल ने कत्ल किया, उसकी बुनियाद क्या थी, हसद थी। इतना खतरनाक गुनाह है। हदीस शरीफ के अंदर आता है, इय्याकुल हसद, तुम हसद से बचो, फइन्नहु याकुल हसनात कमा ताकुलुन नारुल हतब, हसद इतना इंतहाई खतरनाक गुनाह है कि वो नेकियों को ऐसे खा जाता है
जैसे कि आग लकड़ियों को खा जाती है। इंशाल्लाह इसकी तफसील आगे अर्ज करेंगे। अभी तो ये बात है कि हसद इंतहाई खतरनाक गुनाह है। अल्लाह हम सब की इबादत करो। हसद कहते किसको है? हसद कहते किसको है? मसलन एक आदमी, उसको अल्लाह पाक ने माल दिया है, नेमत हुस्न दिया है, या कोई कमाल दिया है, कमाल यानी कोई फन दिया है, कोई उसके पास टैलेंट है, तो वो टैलेंट है उसके ऊपर मैं जल रहा हूँ। जल रहा हूँ यानी अंदर अंदर कुड़न कर रहा हूँ कि वो चीज़ मेरे पास क्यों नहीं है। ये यहाँ तक तो बुरी चीज़, यहाँ तक तो गैर इख्तियारी है। गैर इख्तियार का मतलब आदमी के इख्तियार में नहीं है। आपके पास कोई कमाल है, उस कमाल को देख के मेरे पास नहीं है तो मैं अंदर अंदर तो कुड़ूंगा। तो इस पर कोई गुनाह नहीं है, ये समझने की चीज़ है। इस पर अभी कोई गुनाह नहीं है। हाँ, आगे दूसरे नंबर के ऊपर मैं जब बड़े आऊँगा तो गुनाह बन जाएगा। वो दूसरा नंबर क्या है? दूसरा नंबर ये है कि मैं ये सोचने लगूँ कि आपके पास ये कमाल है ना, वो जाहिर हो जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। ये आदमी अपने इख्तियार से चाह रहा है ना। पहले नंबर पे तो जो आया था वो तो इख्तियार से नहीं आया था, इसलिए वो गुनाह नहीं। आदमी दुनिया के अंदर बसता है, किसी की नेमतों को देख के उसके दिल में आता है मेरे पास नहीं है। तो ये कुड़न जो है ना, ये हसद का पहला दर्जा शुरू हुआ। लेकिन ये अभी तक गुनाह बना नहीं है। गुनाह बनता कब है? जब आदमी ये सोचने लगता है कि उसके पास जो नेमत है वो जाहिर हो जाए, चाहे मेरे पास आवे कि नहीं आवे, उसके पास से खत्म होनी चाहिए। ये खतरनाक गुनाह है। ये हसद का दूसरा नंबर का दर्जा है। आगे अर्ज किया जाएगा इंशाल्लाह। तो ये हसद है मेरे भाइयों, ये हसद किसी पर करना दुरुस्त नहीं है। इसके मुकाबले में एक चीज आती है रिबता, इसको अरबी में बोलते हैं रिबता, के माना रश्क, कि उसके पास ये चीज है, ये अल्लाह मुझे भी वो चीज दे देना। तो अब ये गोया उसकी बुराई, उसके बारे में कोई कुड़न नहीं है, उसके बारे में कोई बुरा नहीं चाह रहा है। बंदा ये चाह रहा है कि ये चीज मेरे को भी मिल जाए, उसके पास है वैसे मैं भी करूं। इसी के लिए हदीस शरीफ के अंदर आया है, किसी आदमी पर हसद करना जायज नहीं है, मगर सिर्फ दो आदमी ऐसे हैं जिनके ऊपर रश्क करना जायज है। रश्क, समझ रहे हैं ना? हसद तो जायज नहीं है, लेकिन रश्क करना जायज है। कितने आदमियों पर? दो आदमियों पर। एक तो वो जिसको अल्लाह पाक ने इल्म दिया है, रजुलन आता अल्लाहु इल्म, अल्लाह पाक ने उसको इल्म और हिकमत दी है, और वो लोगों के दरमियान में उसको फैला रहा है, तो उसको देख के ये कहना कि अल्लाह कि कितना अच्छा काम कर रहा है, ऐसा काम मुझे भी करने की तौफीक दे दे, ये है रश्क। तो ये करना चाहिए। एक चीज तो ये हदीस शरीफ में है, समझ रहे ना? एक चीज पे। दूसरा वो आदमी जिसको अल्लाह पाक ने बहुत माल दिया है, और वो अल्लाह के खातिर अल्लाह की नेमत समझ के कि ये अल्लाह का इनाम है मेरे ऊपर, और वो अल्लाह के खातिर माल को लुटा रहा है, कभी इधर लुट रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी उधर लुटा रहा है, अल्लाह की दीन की निस्बत पर और लोगों को के मखलूकात को उस माल से नफा हो। ये जब रजुलन आता अल्लाह माल, रिवायत में अल्लाह पाक ने जिसको माल दिया, फसल्लतहु अला हलकती फिल हक, और हक की राह में उसको खर्च करने की तौफीक दी। उसको देख के आदमी रश्क करे, वाह क्या अच्छा काम कर रहा है, अपना माल अल्लाह के खातिर लुटा रहा है। इन दो आदमियों के बारे में आता है कि इन दोनों के ऊपर रश्क करना चाहिए, बाकी किसी और पर हसद जायज नहीं है। महाराज बहुत दोस्तों बुजुर्गों, आयत का तर्जमा फिर से एक मरतबा कर देता हूँ, फिर आइंदा जो तफसीर है वो आइंदा तरफ की जाएगी। ए अल्लाह, आप फरमा दीजिए, ए नबी जी आप फरमा दीजिए कि मैं पनाह पकड़ता हूँ सुबह को रोशन करने वाले रब से। किस चीज से? तमाम मखलूकात के शर से, और रात की के तारीकी के शर से, जबकि वो छा जाए, और गिरोहों में फूक मारने वालों के शर से, और हसद करने वालों के शर से, जब वो हसद करे। अल्लाह ताला
हमें इन सब बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। और जो ये दो सूरतें हैं, इन दो सूरतों को एहतमाम से अपनी ज़रूरियात में और अपनी आफात में, अपने मसाइब में इसको पढ़कर अपने ऊपर, अपने बच्चों पर इस पर दम करने की तौफीक अता फरमाए। और इसको नमाज के बाद भी पढ़ना चाहिए, रात में सोते वक्त पढ़ना चाहिए कि इतनी बड़ी नेमत अल्लाह पाक ने हमको दी है, इसकी कदर की अल्लाह हमको तौफीक अता फरमाए। एक बात मुख्तसरन अर्ज करके बात ख़त्म कर देते, गुज़श्ता मजलिस में एक बात ये कर की गई थी कि मुफ्ती सईद अहमद साहब फरमाते हैं कि मैं सुबह की फजर में की सुन्नतों में और मगरिब की सुन्नतों में इन दो सूरतों को पढ़ता हूँ। ये मुफ्ती साहब का अमल है, वरना रिवायात के अंदर तो ये भी मिलता है कि आप अलैहिस्सलाम फजर की सुन्नत में मगरिब की नहीं, फजर की सुन्नत में कुल या अय्युहल काफिरून और कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते हैं। हो सकता है कि मुफ्ती साहब वो मुस्तहब अमल है, कोई ज़रूरी तो है नहीं, इसलिए मुफ्ती साहब इस खास गरज से पढ़ते हो कि इन दो सूरतों के अंदर जो शिफा की आयात है वो सुबह के वक्त में ही पढ़ा पकड़ ले और मगरिब के बाद पढ़ना पकड़ ले। हो सकता है इस नीयत से भी पढ़ते हो, इसलिए कभी कभार ऐसा अमल करना चाहिए। और अगर जो आदमी मगरिब के बाद चार रकात पढ़ता है तो दो रकात में पहले ये दो सूरतों को पढ़ ले और दो दूसरी दो सूरतों में दो रकातों में पढ़ ले। इस तरीके से अमल करना चाहिए। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक।